प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव। संकट मोचन हनुमान जी का यह महापर्व उदय तिथि के अनुसार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जी का भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करने से, पूजा पाठ करने से, उनके मंत्रों का जप करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी भी होती है। इस दिन आपको व्रत, पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण ये सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन अगर आप पूजा पाठ आराधना करते हैं और आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष हैं वो भी दूर होते हैं। ख़ास तौर पर अगर मंगल ग्रह से आपको कोई भी पीड़ा है, कोई भी तकलीफ है, तो हनुमान जी की आराधना करने से वो दूर होते हैं। इसके साथ ही अगर शनि देव से भी आपको कष्ट मिल रहे हैं, शनि की ढैया साढ़े साथी चल रही है या फिर महादशा चल रही है, तो हनुमान जी की पूजा पाठ और आराधना करने से आपको हनुमान जी के साथ साथ शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आपको इस जन्मोत्सव पर यानी कि 6 अप्रैल के दिन क्या करना है? सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको पूजा का संकल्प लेना है। आपको इस दिन हनुमान जी के साथ साथ श्री राम और माता सीता की भी पूजा करनी है। हनुमान जी को आपको लाल चंदन, अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल, वो अर्पित करना है। आपको उन्हें मूली अर्पित करनी है, फल फूल अर्पित करना है। उसके साथ ही धूप दीप जला करके आपको उनकी मंत्रों का उच्चारण करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, संकट मोचन का पाठ किया जा सकता है, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ भी किया जा सकता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। इस दिन आपको हनुमान जी की कोई भी पाठ, कोई भी पूजा, कोई भी आराधना, मंत्रोच्चारण जरूर करने चाहिए। इससे आपको इस दिन की पूजा, जो हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन की जो पूजा होती है, वो विशेष फलदायी होती है। अगर हम मंत्रों की बात करें कि किन मंत्रों का जप इस दिन किया जा सकता है, उसमें सबसे पहले आप ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र की जो संख्या होनी चाहिए वो 108 ही रखें। इसके साथ ही आप ओम नमो भगवते हनुमते नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सुंदर मंत्र हैं और इनसे आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त ज़रूर होगी। अगर आपको जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट मिल रहा है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं आपके काम में, तो आपको हनुमान जी के इस मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। ये मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। इस मंत्र का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में किसी भी तरह के कष्ट दूर ज़रूर होते हैं। इसके साथ ही अगर हम कुछ ज्योतिषीय उपाय की बात करें कि जब हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन आप ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर आए, तो हम सबसे पहले अगर बात करें, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट है, कोई भी बड़ी तकलीफ है, तो आपको हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना चाहिए। जन्मोत्सव के दिन आप 21 बार हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। इससे जीवन में जो भी संकट है वो दूर ज़रूर होते हैं। एक और उपाय की अगर हम बात करें, अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई काम नहीं बन रहे हैं आपके, तो आपको हनुमान जी को केसरिया रंग के लड्डू, जिनकी संख्या 11 होनी चाहिए, 11 केसरिया रंग के लड्डू आप हनुमान जी को अर्पित ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तरक्की नहीं हो रही है, काम नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? इस दिन आप अपनी तरक्की के लिए, अपने बिजनेस में, अपने काम में, ग्रोथ के लिए, प्रमोशंस के लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें और हनुमान जी के मंदिर में एक लाल रंग की ध्वजा ज़रूर अर्पित करें, ज़रूर फहराएं और हनुमान जी के मंत्रों का जप ज़रूर करें। इससे बजरंग बली प्रसन्न ज़रूर होंगे और आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन कोई भी काम हम लोग करें उसमें हमारी इंटेंशन बहुत ज़रूरी होती है, हमारी भक्ति बहुत ज़रूरी होती है, आस्था बहुत ज़रूरी होती है। तो आप जो भी करते हैं अगर आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण
जरूर होगी। तो 6 अप्रैल के दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन आप ये उपाय अपना करके जरूर देखिएगा, देखेंगे आप आपके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।